नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र जेटली, मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धि विनायक प्रीकास्ट केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, मैं कभी कभी आप लोगों के लिए कंक्रीट प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ न कुछ वीडियोस और कुछ रोचक जानकारियां लेकर आपके लिए आता रहता हूं। तो मेरे काफ़ी कस्टमर्स हैं और मेरे व्यूवर्स ने मुझे एक रिक्वेस्ट डाली कि पेवर ब्लॉक बनाने का जो कम्प्लीट प्रोसेस है उसके लिए, एक अच्छा पेवर बनाने के लिए, क्वालिटी पेवर बनाने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं वो भी आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में कि एक पेवर अच्छा बनाने के लिए कैसे मिक्स डिज़ाइन रखा जाता है, किस तरीके से प्रोसेस फॉलो की जाती है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टेट्स में जो रोड्स बन रही हैं इंटीरियर्स की, या गाँव खेड़े की जो रोड्स बन रही हैं उसके लिए भी पेवर ब्लॉक्स का इस्तेमाल हो रहा है, और ये इंडस्ट्री बहुत आज की डेट में चलन में है और बहुत सारे नए नए लोग इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट ले रहे हैं और बहुत सारे लोग प्लान कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में आने का। तो आज मैं आपको बताता हूं कि पहले तो पेवर ब्लॉक इंडस्ट्री लगाने के लिए हमको जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो क्या होती हैं। तो दोस्तों, पेवर ब्लॉक इंडस्ट्री लगाने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास दो वाइब्रेटर टेबल होनी चाहिए। एक वाइब्रेटर टेबल इसलिए होती है जिसमें अपन टॉप लेयर का मोल्ड, क्योंकि पेवर ब्लॉक बनाने के लिए दो प्रकार की कलर, एक कलर्ड कंक्रीट बनाई जाती है जो अमूमन 10 mm की एक लेयर टॉप लेयर की बनाई जाती है जिसको टॉप लेयर बोलते हैं। दूसरी लेयर होती है बॉटम लेयर की जो ग्रे कंक्रीट बनती है, नॉर्मल कंक्रीट होती है जिसमें किसी भी किस्म का आयरन ऑक्साइड का पिगमेंट यूज़ नहीं होता। तो इसलिए हमें पेवर ब्लॉक बनाने के लिए दो टेबल चाहिए, वाइब्रेटर टेबल, एक पैन टाइप कलर मिक्सर चाहिए जिसमें हम कलर्ड कंक्रीट बनाएंगे, और एक बॉटम लेयर का मिक्सर चाहिए। वो हांडी मिक्सर हो, पैन मिक्सर हो, किसी भी किस्म का मिक्सर अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, मार्केट में मोल्ड्स भी कई प्रकार के आते हैं। कुछ मोल्ड होते हैं प्लास्टिक के। अब प्लास्टिक के मोल्ड में भी दोस्तों वेराइटीज़ होती हैं। कुछ प्लास्टिक के मोल्ड होते हैं जो प्योर वर्जिन क्वालिटी के प्लास्टिक के ग्रेन्यूल से बनाए जाते हैं और उनकी लाइफ और उनकी फिनिश काफ़ी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू सेमी वर्जिन के दाने से। सेमी वर्जिन का मतलब है कि उसमें कुछ रिसाइकल्ड प्लास्टिक के ग्रेन्यूल्स का इस्तेमाल होता है और कुछ प्योर वर्जिन के दानों का इस्तेमाल होता है। तो बाजार में प्लास्टिक के मोल्ड भी अगर आप देखोगे तो 25 रुपये से लेकर स्टार्ट हो जाते हैं और 80-90 रुपये के पीस तक के अवेलेबल होते हैं। इसके बाद में नंबर आता है पीवीसी मोल्ड का। पीवीसी मोल्ड एक बहुत ही शानदार क्वालिटी का रेजिन से बनाया जाता है। पीवीसी का मोल्ड, उसका ग्लॉस अंदर का, उसकी फिनिश, उसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, और ऐसा ही रबर का मोल्ड होता है। नॉर्मली ब्लैक कलर के आते हैं रबर के मोल्ड, और पीवीसी के आप देखेंगे मोल्ड तो ट्रांसपेरेंट टाइप का, ब्लू कलर का, येलो कलर का, जिस किस्म का उसका रेजिन का कलर होता है उस हिसाब के वो मोल्ड दिखाई देते हैं। तो आप अपनी सुविधा और मार्केट के हिसाब से, अपने बजट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मोल्ड का चयन कर सकते हैं। लेकिन मोल्ड का रोल बहुत बड़ा होता है किसी भी कंक्रीट, कलर्ड कंक्रीट प्रोडक्ट बनाने के लिए या प्रीकास्ट कंक्रीट प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो दोस्तों, रबर के मोल्ड और पीवीसी के मोल्ड में अगर आप प्रोडक्ट की फिनिश देखेंगे तो बहुत ही शानदार होती है, बनिस्बत उसके प्लास्टिक के मोल्ड में कम आती है। ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक के मोल्ड में शाइनिंग बिल्कुल नहीं होती या चमक या फिनिश नहीं होती, लेकिन जब हम तुलना करते हैं कि जो पीवीसी के मोल्ड में बना हुआ माल होता है या प्लास्टिक के मोल्ड में जो बना हुआ माल होता है, उन दोनों की अगर आप तुलना करेंगे तो प्लास्टिक या रबर के मोल्ड के माल की फिनिश बनिस्बत प्लास्टिक के मोल्ड से बहुत अच्छी होती है। अब दोस्तों, मैं आपको आता हूं कि पेवर मोल्ड का जब अपन टॉप लेयर की कलर बनाते हैं, जो एक कलर कंक्रीट जो आपने देखा होगा अमूमन लाल, पीले, काले रंग के पेवर आपको दिखते हैं, तो जो लाल, काला या पीला या कोई भी कलर जो इस्तेमाल होता है पेवर में, वो टॉप लेयर पे 10 mm तक की थिकनेस तक का यूज़ किया जाता है। तो मैं दोस्तों आपको बताता हूँ सबसे पहले आपको टॉप लेयर कैसे यूज़ करना है। टॉप लेयर यूज़ करने के लिए हम जो मिक्स डिज़ाइन और जो प्रोसेस अपने हार्ड एंड शाइन के उपभोक्ताओं को बताते हैं, मैं वही आपको बता रहा हूँ कस्टमर से लिए हुए फीडबैक के हिसाब से, जो रिज़ल्ट उनको शानदार प्राप्त होते हैं हमारा प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद में, हार्ड एंड शाइन को इस्तेमाल करने के बारे में, मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। और ये वीडियो इसलिए बता रहा हूँ आपके लिए भी है, या जो नए लोग हमारा प्रोडक्ट कभी यूज़ करेंगे या यूज़ करना चाहेंगे तो उनको कैसे बनाना है ये वीडियो उनके लिए काफ़ी मदद होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो कंक्रीट का कलर बनाने का, टॉप लेयर बनाने का कलर मिक्सर होता है, कंक्रीट मिक्सर होता है, पैन टाइप मिक्सर जो होता है, उसमें सबसे पहले आप 25 किलो रिवर सैंड डालिए। इसमें स्टोन डस्ट बिल्कुल भी नहीं डालना है, या तो आप रिवर सैंड डालिए या एम सैंड डालिए, क्योंकि स्टोन डस्ट में सिल्ट और मिट्टी का परसेंटेज होता है तो कलर का ग्लॉस और कलर की फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आती और एब्रेसिव स्ट्रेंथ भी कम होता है। तो आप रिवर सैंड सबसे पहले आप 25 किलो रिवर सैंड पैन मिक्सर में डाल दीजिए और
उसके बाद में आप जिस भी कंपनी का आयरन ऑक्साइड पिगमेंट यूज करते हैं, मार्केट में कई कंपनियों के आयरन ऑक्साइड पिगमेंट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि लेंसेक्स जो कि बायफोरेक्स कंपनी जर्मन कंपनी है वो बनाती है, यूजिन है, टाटा है, और इंडिया की एक बहुत अच्छी कंपनी है DCW। क्योंकि लेंसेक्स का कलर बाहर से जर्मनी से इम्पोर्ट होता है तो इंडिया में आकर उसकी कीमतें काफ़ी महंगी महसूस होती है, तो इंडिया की एक कंपनी है DCW, तो DCW के भी पिगमेंट अगर आप यूज़ करेंगे तो उसके भी रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे, जो पिगमेंट कंपनी अच्छी लगे आप उसे यूज़ कर सकते हैं, लोकल कलर कोई आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, पर आपके जानकारी के लिए मैंने कुछ कंपनियों के नाम बताए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप 25 किलो रिवर सैंड नदी की रेत आप पैन मिक्सर में डाल दीजिए, उसके बाद 1.5 किलो आयरन ऑक्साइड का पिगमेंट उस रेत में आप मिक्स कर दीजिए। अभी इस मिक्सर में पानी हमें ज़रा भी नहीं डालना है, इस पूरे 25 किलो रेत को 1.5 किलो पिगमेंट के साथ में बहुत अच्छी तरीके से भली भांति 5-6 मिनट अपना टाइम लगा के उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तब तक मिक्स करना है जब तक कि आपकी जो रेत आपने डाली है कलर के साथ में अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए। थोड़ी देर में आप 5-6 मिनट के बाद आप जब मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने जो रेत डाली है, जो सैंड डाली है, वो पूरे की पूरी पिगमेंटेड हो जाएगी, वो कलर का टोन पूरा उस पिगमेंट का रेत में चढ़ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप उसमें 50 किलो 6 mm का एग्रीगेट्स डालिए, जो ग्रेवल्स होते हैं 6 mm के गिट्टी के दाने होते हैं, स्टोन चिप्स होते हैं 6 mm के, आप वो डालें। अगर 6 mm का स्टोन चिप्स नहीं मिलता है तो 10 mm का भी यूज़ किया जा सकता है, पर चूंकि टॉप लेयर में अगर आप 6 mm का आप डालेंगे तो कभी कॉर्नर में बड़ा स्टोन वगैरह नहीं फंसने के कारण आपका कॉर्नर एजेस ब्रेक वगैरह होने का चांसेस बहुत कम होता है। तो मैंने आपको बताया 25 किलो रिवर सैंड, उसमें 1.5 किलो कलर डाल के बहुत अच्छी तरीके से उसको मिक्स किया 5-6 मिनट तक, उसके बाद हम उसमें 50 kg स्टोन चिप्स डालते हैं 6 mm के और 25 किलो सीमेंट डाल देते हैं। अभी हमें इसमें पानी जरा भी नहीं डालना है। जब ये सारा माल पूरी तरीके से अच्छे तरीके से ड्राई मिक्स हो जाए, ड्राई मिक्स होने के बाद आप इसमें बिल्कुल नाप के, ये जो मैं आपको टॉप लेयर का मिक्स डिज़ाइन बता रहा हूँ दोस्तों, ये मिक्स डिज़ाइन कंक्रीट इंडस्ट्री में M25 ग्रेड कंक्रीट का कहलाता है। M25 ग्रेड की कंक्रीट का मतलब होता है कि यदि इस कंक्रीट का आप एक क्यूब बना के 150x150 का आप अगर आप उसको क्यूब को कास्ट करके उसको क्रश करेंगे, जो क्रशिंग मशीन होती है, स्टोन टेस्टिंग मशीन होती है, क्यूब टेस्टिंग मशीन, तो 25 MPa की इसमें स्ट्रेंथ आएगी, मतलब 250 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है। तो टॉप लेयर के लिए हमें M25 स्ट्रेंथ की कंक्रीट को फॉलो करना है। तो आपने जब सारा मटेरियल जो जैसा जैसा मैंने आपको बताया, 25 किलो रिवर सैंड, 1.5 किलो पिगमेंट, 50 किलो 6 mm के स्टोन चिप्स और 25 किलो सीमेंट को पूरी भली भांति अच्छे से ड्राई मिक्स करने के बाद एक बाल्टी से में बढ़िया नाप के 8 लीटर पानी लीजिए और उस पूरे ड्राई मिक्स में आप डाल दीजिए। जब आपका 8 लीटर पानी प्रॉपरली पूरे आपके कॉन्क्रीट में मिक्स हो जाए तो उसके बाद आप एक बाल्टी में फिर से 2 लीटर पानी लीजिए। उस 2 लीटर पानी में 400 ग्राम हार्ड एंड शाइन आप मिक्स कर दीजिए और उस हार्ड एंड शाइन वाले 2 लीटर पानी को, जिसमें आपने 400 ग्राम हार्ड एंड शाइन मिक्स किया है, उस पानी को आप कंक्रीट में डाल दीजिए। कंक्रीट में जब आप ये पानी डालेंगे तो आपकी कंक्रीट अच्छी खासी फ्लोएबल हो जाएगी। 3-4 मिनट 5 मिनट मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि एक प्लास्टिक कंक्रीट आपकी मोल्ड में तैयार हो जाएगी। आपके देखने के लिए मैं एक वीडियो भी इसके साथ में अपलोड कर दूंगा, तो आप देखेंगे वो कंक्रीट की वर्केबिलिटी बहुत अच्छी आती है, उस कंक्रीट में ब्लीडिंग नहीं होती, सेग्रीगेशन नहीं होता। तो इस कंक्रीट के तैयार होने के बाद में इस रनिंग मिक्सर से ही, इस चलते हुए मिक्सर से ही आपको 10 mm की लेयर अपने मोल्ड में डालनी है। इस मेन मिक्सर से आपको ये माल निकाल के किसी दूसरी बाल्टी या किसी तगाड़ी या किसी घमेले में नहीं लेना है, डायरेक्ट चलते हुए मिक्सर को तब तक बंद नहीं करना है जब तक कि आपकी ये कलर्ड कॉन्क्रीट पूरी कंज्यूम ना हो जाए। और मैंने आधी बोरी का माल आपको बनाने के लिए इसलिए एडवाइस किया है क्योंकि सीमेंट का नॉर्मल इनिशियल सेटिंग टाइम 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स होता है। तो यदि आप एक बैग सीमेंट को कंज्यूम करके कंक्रीट बनाएंगे तो कंक्रीट का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है, जो एक घंटे में कंज्यूम नहीं होती और कंक्रीट सेटिंग होने लगती है। इसलिए जब आप टाइल्स बनाते हैं तो कोई टाइल्स तो आपकी बहुत अच्छी शानदार फिनिश चमचमाती निकलती है, कोई डल शेप वाली निकलती है, क्योंकि वो पेस्ट फिर होमोजेनस एक जैसा मिक्स नहीं रह जाता। इसलिए आप 50 किलो सीमेंट की इकट्ठी कलर्ड कंक्रीट बनाने से बचें और चलते हुए मिक्सर से ही इस कंक्रीट को आप मोल्ड में डालिए जिसमें आपने 400 ग्राम 25 किलो सीमेंट के पीछे में यूज़ किया हुआ है। अब इसके बाद दोस्तों आते हैं अपन जो बॉटम लेयर की कंक्रीट होती है, जो नॉर्मल जिसमें हम कोई भी पिगमेंट यूज़ नहीं करते, उसके लिए हंडी मिक्सर, कंक्रीट मिक्सर, आप कोई भी किस्म का कंक्रीट मिक्सर आप यूज़ कर सकते हो।
उसमें आपको यदि आप 60 एमएम के पेवर बना रहे हैं और आपकी टारगेटेड स्ट्रेंथ पेवर को क्रश कर, क्योंकि नॉर्मली जहां भी पेवर बिकते हैं तो वहां पे कोई भी क्यूब टेस्ट नहीं करता, डायरेक्ट पेवर पेवर ब्लॉक को ही मशीन के अंदर में क्रश करके उसकी स्ट्रेंथ चेक की जाती है। तो अमूमन तौर पे 60 एमएम के पेवर रोड साइड किनारे और फुटपाथ एरिया में, लो ट्रैफिक एरिया में जहाँ पे लाइट व्हीकल्स पार्क होते हैं वहाँ पे लगाए जाते हैं, और उस पर उनकी जो टारगेटेड स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है वो M32-M40 के बीच में लेते हैं। हालांकि ये M30 और M40 कॉन्क्रीट का वर्ड यूज़ होता है कॉन्क्रीट की मिक्स डिज़ाइन के लिए, और देसी भाषा में से M40-M30 ही बोलते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये है कि यदि उस पेवर को क्यूब टेस्ट मशीन में क्रश किया जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ 30 MPa से 40 MPa के बीच में आएगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी होती है। तो 60 एमएम का पेवर बनाने के लिए जिसकी आपको स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है 30 MPa से 40 MPa के बीच में, उसके लिए आप हंडी मिक्सर में 50 किलो सीमेंट, 150 किलो स्टोन डस्ट भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं बॉटम लेयर में, लेकिन टॉप लेयर में स्टोन डस्ट नहीं यूज़ करनी है। तो आप टॉप बॉटम लेयर के लिए 50 किलो सीमेंट, 150 किलो सैंड आपके पास सस्ती है तो सैंड यूज़ करें, स्टोन डस्ट मिलता है तो स्टोन डस्ट यूज़ करें। तो 50 किलो सीमेंट, 150 किलो स्टोन डस्ट और 300 किलो 10 एमएम के एग्रीगेट्स, 10 एमएम की गिट्टी आप उसमें यूज़ करिए। अब दोस्तों ये टोटल आपका वॉल्यूम हो जाएगा करीब करीब 500 केजी का मटेरियल। इस 500 केजी के मटेरियल में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 22 से 25 लीटर के बीच में पानी रखना है। तो आप इसमें जब कॉन्क्रीट मिक्स करें, सारा मटेरियल डलने के बाद में 20 लीटर पानी तो आप पहले ही डाल दें कॉन्क्रीट में, इससे कॉन्क्रीट अपना मॉइस्चर पकड़ लेगा। उसके बाद जो आपका 5 लीटर या 3 लीटर जो भी पानी बैलेंस बचता है रिक्वायरमेंट में, तो 3 से 5 लीटर पानी के बीच में सिर्फ 200 ग्राम हार्ड एंड शाइन आप उस पानी में मिक्स करके कंक्रीट में डालने के बाद 2 मिनट मिक्स करने दें, और उसके बाद में आप वो कंक्रीट को जो आपने 10 mm की मोल्ड में भरी हुई है टॉप लेयर उसके ऊपर आप डायरेक्टली इसको पोर कर दें, और इस माल को भरने के बाद में वाइब्रेटर पर जब ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा तो प्लाई के पैलेट्स के ऊपर में स्टैक कर दिया जाएगा। प्लास्टिक के पैलेट्स के ऊपर में जब आपके मोल्ड इकट्ठे हो जाएं तो दोस्तों इस सारे माल को आप एक टारपोलिन से कवर कर दें। टारपोलिन से कवर करने का मतलब ये होता है कि सर ये कंक्रीट इंडस्ट्री में कहलाता है मेम्ब्रेन क्यूरिंग, क्योंकि जब सीमेंट में पानी पड़ता है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, सीमेंट अपना गर्मी पाके पानी के साथ में रिएक्ट करने के बाद में गर्मी छोड़ती है, तो पानी बहुत तेज़ी से उड़ता है। तो पानी जो तेज़ी से उड़ता है तो हम त्रिपाल जो कवर करते हैं तो उसका मॉइस्चर लेवल मेंटेन रहता है, तो 24 घंटे के अंदर में उसकी एक बहुत ही शानदार स्ट्रेंथ गेन होती है। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों कि जब आपने उसको टारपोलिन से कवर किया, आज आपने माल बनाया शाम को 6 बजे पैक कर देंगे उसको टारपोलिन से, और दूसरे दिन कोई 9-10 बजे 11 बजे एटमॉस्फेरिक कंडीशन के हिसाब से उस मोल्ड को खोलने को जाएंगे, तो उस मोल्ड को खोलने के पहले आप उस टारपोलिन को कम से कम मोल्ड के खोलने के 1.5 घंटे 2 घंटे पहले आप उस टारपोलिन को हटा दें और 2 घंटे बाद ही मोल्ड को खोलें। दूसरी बात सर, अगर आप लोग 80 mm का पेवर बना रहे हैं तो 80 mm का पेवर नॉर्मली पेट्रोल पंप्स में और बहुत ही हैवी ट्रैफिक एरिया में लगता है, तो उसमें आप टॉप लेयर का मिक्स डिज़ाइन तो यही रखें जो मैंने आपको सजेस्ट किया, लेकिन बॉटम लेयर में आप जो 50 किलो सीमेंट, 150 किलो सैंड और 300 किलो गिट्टी डाल रहे थे उस मिक्स डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज करें, क्योंकि 80 mm के पेवर में स्ट्रेंथ ज़्यादा रिक्वायर होती है। तो बॉटम लेयर के लिए आप 50 किलो सीमेंट और 100 किलो एग्रीगेट्स, 100 किलो सैंड और 200 किलो एग्रीगेट, इसको 1-2-4 का मिक्स डिज़ाइन बोलते हैं जो M15 कहलाता है। इस तरीके से आप बनाएं तो आपका 80 mm का पेवर M35-M40 ग्रेड का, मतलब 35-40 PSI के लोड पे टूटेगा, जो कि नॉर्मली पेट्रोल पंप और हाई ट्रैफिक एरियाज में यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो एक बेसिक नॉलेज है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और आप जब हार्ड एंड शाइन हमारा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और जब आप नॉर्मल हार्डनर यूज़ करते हैं तो होता क्या है कि नॉर्मल हार्डनर आप जब डालते हो तो उससे सिर्फ आपके प्रोडक्ट की सेटिंग आती है, लेकिन जब आप मोल्ड से माल निकालते हो तो मोल्ड में माल चिपकता है, कलर ट्रांसफ़र होता है, जिसके कारण आपके खोले गए माल में टेक्सचर अपीयरेंस अच्छा नहीं आता, फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। फिर उसके लिए आप उसमें लेकर की पॉलिश करते हैं जिसमें उसमें प्रोडक्ट में शाइनिंग आए, चमक आए। दूसरा उस तरफ अगर आप देखोगे तो आपके मोल्ड में माल चिपकता है, जिसको आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से यूज़ करना पड़ता है, और एसिड से यूज़ करने से आपके मोल्ड की लाइफ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिटोरिएट होती है। तो इससे आपको मोल्ड को कभी धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मोल्ड एकदम आपका नीट एंड क्लीन हो जाता है। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है दोस्तों हार्ड एंड शाइन यूज़ करने का, कि आपने जो प्रोडक्ट आज बनाया और कल आप खोलेंगे तो आप एक पीस से 1,000, 10,000, 20,000 जितने भी पीस बनाएं तो आपके किसी भी एक भी पीस का कोना किनारा तक नहीं टूटता, और प्रोडक्ट में एक शानदार शाइनिंग आती है, ग्लॉसीनेस आता है,
जो कस्टमर की पहली पसंद होता है। दूसरा दोस्तों, हमारे प्रोडक्ट में जो कंप्लीट स्ट्रेंथ, नॉर्मली आप देखो किसी भी कंक्रीट प्रोडक्ट की जो स्ट्रेंथ होती है वो नॉर्मली 28 डेज में पूरी तरीके से जब अच्छे से क्यूरिंग किए जाते हैं तब आता है। तो दोस्तों, हमारे हार्ड एंड शाइन प्रोडक्ट में पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल नाम का एक क्यूरिंग कंपाउंड ब्लेंडेड होता है, जिसके कारण उसकी जो कंप्लीट स्ट्रेंथ होती है वो 24 आवर्स में गेन कर जाती है। इसलिए आप बनाए हुए माल को आज बनाएं, कल खोलें, 2-4 घंटे 6 घंटे सूखने के बाद में आप उसको डिस्पैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी रनिंग कैपिटल भी, जो बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं स्टॉक को मेंटेन करने में, वो भी नहीं होती। आप आज माल बना के कल भी डिस्पैच कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपके साथ जो जानकारी साझा की है, अगर आपको रोचक लगी हो तो बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि जो लोग इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं या जो आने वाले हैं उनको थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी। और आप कमेंट करके बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो रोचक लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और कमेंट करें, और लाइक तो एक बनता ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।